हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कश्मीर के एक विलेज में इंजॉय बहुत कर चुका हूं, अब वापस जा रहा हूं श्रीनगर। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों का इंटरटेन कर रहा हूं। तो चलिए हमारे साथ हमारे यात्रा में बने रहिए और यात्रा का लुत्फ लेकर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, आप लोगों को सुबह का नमस्कार। मैं निकल तो गया था लेकिन मैं जब वापस जा रहा था तो अचानक याद आया उस दिन श्रीनगर में ईद था और ईद का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। मुझे गाड़ी बुक करना पड़ा वापस आने के लिए, और बमुश्किल जब मैं रोड पर पहुंचा तो फिर वहां से गाड़ी मिलनी मुश्किल हो गई। फिर किसी तरह भगवान का लाख शुक्र है कि मुझे गाड़ी मिल गया और फिर मैं आगे की ओर निकल पड़ा। फिर यहाँ बैठना है इसका भी। बस कार सफ़र में बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि रास्ते में मैं जिस वैन में सफ़र कर रहा था उसमें बहुत ही सुरीली संगीत बज रही थी, और आप इस रोड को देख सकते हैं जिस रोड से मैं वापस आ रहा था, काफ़ी हरा भरा है और चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ी है, और कश्मीर के सुंदर घर हमें नज़र आ रहे थे और मैं काफ़ी लुत्फ उठा रहा था अपने सफ़र का। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़रें जाती थी स्वर्ग सा सुंदरता दिखता था। आप देख सकते हैं ये झील, ये झरने, पहाड़, पर्वत, खूबसूरत हसीन वादियों से गुजरते हुए मैं खुद में खो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं नेचर, प्रकृति के काफ़ी नज़दीक हूँ। एंड आई वॉज फीलिंग अबाउट दी नेचर, हिल्स, एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू टॉक मी एंड आई वॉज डू इट कंटिन्यू बिकॉज आई वॉज लॉस्ट इन लव विद हिल्स, फॉल्स, फॉरेस्ट एंड स्पेशली the valley of Kashmir and the hills of Kashmir. There was very nice moment and weather. बट क्या बताऊँ, अचानक मैं जिस वैन में बैठा था उसमें एक लड़का गुटखा चबा रहा था और उसे उल्टी आने लगी और वो फिर उल्टी करने लगा। दिस वॉज लिटिल विट नेस्टी बट आई थिंक इट्स ओके बिकॉज सम टाइम पीपल डू इट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इन वैन। नाउ आई स्टार्टेड टू मिस द श्रीनगर एंड द नेचर because I know that now I return back to Srinagar city and this is city not a village and there is not much nature, and after few days I will return back to metro city, but I think and I was trying to observe everything and I want to hide everything as a memory in my heart, and slowly slowly I was nearly to Srinagar and in my face little bit smile because I was thinking that as soon as I will
left Srinagar city because I don't know when and what will be happen in Srinagar city because there is always strike and every bad situation. So anyway, this was my nice journey, so I want to talk good things only. And now you can see finally I change auto and I am going to hotel. You know that whenever you will try to visit Srinagar, please keep money enough in your pocket because this is very costly city. ये वाला कौन सी नदी है? ये ऐसी है, यहाँ पे पानी थोड़ा गर्मी में झील की नाला तो नहीं है, ये नाला वगैरह तो नहीं है। रुके रुके, चलिए अब कौन सा होटल लेंगे? होटल लेंगे घर मेरे को क्या जो मिल गया पता नहीं, हमको तो लगता है अच्छा होटल मिलना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? सारा होटल भी बंद है क्या आज? रुको, लाल चौक का हमको लेने दो सेल्फी। ठीक है, मैं आ चुका हूँ लाल चौक। पीछे दिख रहा होगा, ये लाल चौक का बिल्डिंग तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं श्रीनगर में हूँ अभी।